हनुमान जयंती हो या रामनवमी, चाहे हिंदू नववर्ष, हर हिंदू फेस्टिवल पर हिंदू समाज पर आक्रमण हुआ है। देश के हर कोने से जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ठीक ठाक है वहां से ये समाचार सुनने में आए हैं, परंतु उत्तर प्रदेश जहां देश के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी रहती है वहां से ये समाचार सुनने को नहीं मिले। इसका एकमात्र कारण है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर्स के अंदर डीजल भरा हुआ है। आई फील इंडिया में थोड़ा कड़क होना जरूरी है, लॉज को दिखाना कि ये देख बेटा ये लॉ है, ये लॉ देख, समझ इस बात को, ये जरूरी है। उस हिसाब से मुझे योगी पसंद है। जहांगीरपुरी दिल्ली की यदि हम बात करें तो हजारों लोग हिंदुओं पर किए गए इस आक्रमण में शामिल थे, परंतु FIR हुई केवल 14 लोगों पर, बाकियों का क्या? बुलडोजर जो है उसका एक भय है, और जो भय कानून का होना चाहिए वो बुलडोजर ने पैदा किया है। कानूनन यदि देखोगे तो आप इसे शायद जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, परंतु उसी कानून को बचाने के लिए इस चीज़ ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। बुलडोज़र का प्रयोग किसी भी राज्य में इल्लीगल बिल्डर्स जो होते हैं या फिर इल्लीगल बिल्डिंग्स जो होती हैं उनको गिराने में ही किया जाता है, परंतु उसके पीछे का जो प्रोसेस है उसे शायद ही कभी फॉलो किया गया हो। आज जो लोग बुलडोजर्स के चलने पर रो रहे हैं वो सभी कंगना रनौत के ऑफिस को जब महाराष्ट्र की सरकार ने तुड़वाया था तब बड़े प्रसन्न थे। राहुल गांधी ने ये पिक्चर ट्वीट की और कहा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बुलडोज किया जा रहा है। परंतु राहुल गांधी को शायद जो तुर्कमान गेट पर इंदिरा गांधी ने किया वह भी पढ़ लेना चाहिए था। इंदिरा गांधी ने बुलडोजर चलवाया था और जो व्यक्ति उस बुलडोजर के सामने आया, जिसने भी अड़ंगा डाला, उसे गोली मारने के आदेश दे दिए थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की करंट राजस्थान सरकार ने अभी सालासर का मुख्य द्वार बुलडोज कर दिया और एक 300 वर्ष से अधिक पुराने शिव मंदिर को बुलडोज कर दिया, शिवलिंग को ड्रिल करके तुड़वा दिया गया। और 300 वर्ष पुराने उस मंदिर का तो इल्लीगल होने का भी प्रश्न नहीं है, बल्कि वह तो ASI द्वारा संरक्षित मंदिर की लिस्ट में आना चाहिए। जहांगीरपुरी वायलेंस में लोकल्स बांग्लादेशी मुसलमानों पर ब्लेम डाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी इस एंगल की जांच कर रही है कि क्या बांग्लादेशी मुस्लिम समाज ने हिंदुओं के अगेंस्ट दंगा किया था। और आम आदमी पार्टी ने भी अब कहा है कि भाजपा ने पूरे देश में बांग्लादेशियों को घुसा लिया है और वो अब दंगे कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले NRC के विरोध में शाहीन बाग के पक्ष में आम आदमी पार्टी थी। मैं शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़ा हूं। आप JNU में भी लोगों के साथ? JNU के लोगों के साथ खड़ा हूं। जिस कानून से बांग्लादेशी देश से निकाले जाएंगे उस लॉ को आने मत दो, फिर कहो देश में बांग्लादेशी आए हुए हैं। दिल्ली में रोहिंग्याओं को राशन, पानी, बिजली सब दिया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं की हालत खराब है। जिन रोहिंग्याओं के लिए आम आदमी पार्टी रिफ्यूज स्टेटस मांग रही है, उन्हें ना निकाला जाए कह रही है, उन्हीं बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को भाजपा ने बसा दिया और दंगे भी करवा रही है, ऐसा भी बोल रही है। यही अपीजमेंट और दोगली पॉलिटिक्स पूरे मुद्दे की जड़ है। मस्जिद के 100 मीटर तक हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, परंतु मंदिर के 100 मीटर में कोई नॉनवेज दुकान नहीं खोली जाएगी, ऐसा जब बोला जाता है तो इस पर कलेश मच जाता है। मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान होगी परंतु मंदिरों में लाउडस्पीकर नहीं होंगे, इत्यादि इत्यादि ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जो अपीजमेंट करने में लगाए जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स एस्कलेट होती है। और अपीजमेंट का स्तर तो इस लेवल पर आ चुका है कि इल्लीगल बांग्लादेशियों को भी यहाँ पर बसाया जा रहा है, उनका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनवाया जा रहा है। और 2016 में सेंटर ने पार्लियामेंट में बताया था कि 2 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी भारत में इल्लीगली रह रहे हैं, मगर फिर भी भारत में NRC नहीं लाने दी जाएगी। लाल झंडों के नीचे नारे लगाए जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, और विश्व मीडिया हिंदुओं को अग्रेसर और भारत में इस्लामोफोबिया है ऐसा दिखाएगा।
यदि सिचुएशन ऐसी ही चलती रही और संज्ञान नहीं लिया गया तो भारत को लेबनन बनते समय नहीं लगेगा। लेबनन का इतिहास और भारत का फ्यूचर सेम हो सकता है। लेबनन इसराइल का पड़ोसी देश है। 1954 तक लेबनन एक इसराइल बहुल देश हुआ करता था। पूरे मिडल ईस्ट में दो ही देश थे जो नॉन मुस्लिम थे और दो ही देश थे जहाँ डेमोक्रेसी थी। लेबनन मिडल ईस्ट का इकोनॉमिक हब हुआ करता था और एकमात्र देश था जो ऑटोमन एम्पायर के समय में भी अपने आप को मुस्लिम होने से बचा पाया। 1974 में पैलेस्टाइन में मैसेकर होता है और वहाँ से मुस्लिम समाज जो होता है वो खदेड़ा जाता है या भागता है। सपोजिटली जो फलस्तीन या पैलेस्टाइन के मुसलमान थे वहाँ के पड़ोसी जो देश थे, वहाँ जो मुस्लिम पड़ोसी बहुल देश हैं जैसे कि जॉर्डन, सीरिया या फिर सऊदी, इन देशों में उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए था, परंतु ये सभी देश पैलेस्टाइन के रेफ्यूजीज़ जो थे उनको संरक्षण देने से मना कर देते हैं और वो जो रेफ्यूजीज़ थे वो भागकर लेबनन जाते हैं। उसके बाद ठीक उसी प्रकार से जैसे रोहिंग्यास जो थे वो म्यांमार से भागे, परंतु मुस्लिम बहुल बांग्लादेश ने उन्हें शेल्टर नहीं दिया, वो भागकर भारत आ रहे हैं। लेबनन के लेफ्ट ब्रिगेड ने रेफ्यूजीज़ को सिटीजनशिप देने की मांग उठाई और धीरे धीरे इन लोगों को पॉलिटिकल पावर भी मिलनी प्रारंभ हो गई। इन रेफ्यूजीज़ ने वहाँ जितनी पॉलिटिक्स की सब लेफ्ट के कम्युनिस्ट लाल झंडे के नीचे की। धीरे धीरे इन रेफ्यूजीज को बेचारा विक्टिम दिखाया जाने लगा और नेटिव क्रिश्चियन पॉपुलेशन को एग्रेसर। 1975-76 में लेबनन में सिविल वॉर शुरू हुई थी जो कि 1990 में जाकर समाप्त हुई थी। सिविल वॉर के शुरू में क्रिश्चियन पॉपुलेशन 54% थी और मुस्लिम पॉपुलेशन 44% थी, और जब सिविल वॉर समाप्त हुई तब ये पॉपुलेशन रिवर्स हो चुकी थी, यानी मुस्लिम पॉपुलेशन 54% थी और क्रिश्चियन पॉपुलेशन अराउंड 40%। इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन, क्रिश्चियंस का जेनोसाइड और मुस्लिम समाज का अधिक बच्चे पैदा करना इस पॉपुलेशन रिवर्सल का मुख्य कारण था। 1991 में लेबनन से डेमोक्रेसी समाप्त हो गई। PLO, हमास, हिजबुल्ला जैसी टेरर आउटफिट्स ने लेबनन को अपना ट्रेनिंग सेंटर बना लिया। क्या ये बातें आपको भारत में होती हुई दिखाई नहीं देती? क्या भारत भी लेबनन की राह पर अग्रसर नहीं है? थोड़ा सोचिए।